ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखते हैं कि अगर साइन कॉस अगर ये मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो उसका लैपलेस कैसे निकालेंगे। ओके अब देखिए ये प्रॉब्लम में कॉस टी कॉस टू टी इंटू कॉस थ्री टी, ये तीनों के तीनों फंक्शन जो है कॉस के ये मल्टीप्लिकेशन में, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे कभी ऑपरेट नहीं होती। ओके वो एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ऑपरेट होगी। अगर सपोज करो ये तीन कॉस का एडिशन होता तो हम तीनों के सेपरेट लैपलेस हम फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो ऐसा मत करना कि इस cos t का लैपलेस निकाल दो, cos 2t का और cos 3t का और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज अ रॉन्ग प्रोसेस। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तब जाके आप अलग अलग लैपलेस तीनों के फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में तो आप लैपलेस फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके ना, अब देखो साइन और cos का लैपलेस का फॉर्मूला आपके पास है। ओके लेकिन दो cos के मल्टीप्लिकेशन का या फिर तीन cos के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आपके पास है क्या? नहीं। ओके तो हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट में जो है तीनों कॉस, ओके इसको सबसे पहले एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला। तो मैंने आपको चार फार्मूला लिखवा के दिया था। ओके आप लेक्चर नंबर टू देख लीजिए, लेक्चर नंबर टू में मैंने टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लिखवा के दिए थे जो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूजफुल है, उतने ही फार्मूले आप लर्न कर लीजिए। ओके तो उसमें एक फार्मूला था, ओके और मैंने बोला भी था कि वो फार्मूले कैसे ध्यान में रखोगे, तो उसके लिए सीक्वेंस था साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। ओके तो उसमें राइट हैंड साइड में आता है 1/2 1/2 1/2 आखिरी फार्मूले में -1/2, बाद में साइन साइन प्लस साइन साइन माइनस कॉस कॉस प्लस कॉस कॉस माइनस। ओके पहला एंगल ए प्लस बी रहेगा, दूसरा एंगल ए माइनस बी रहेगा, ये मैंने बता दिया। ओके तो यहां पे देखिए, यहाँ पे तीन कॉस के मल्टीप्लिकेशन का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला नहीं है। ओके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी दो कॉस को जो, अब सबसे पहले एक काम करो कि ये जो है ना इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, साइन कॉस थ्री टी, थ्री टी की टर्म पहले लिख सकते हो, बाद में कॉस टू टी, बाद में कॉस टी, इस तरीके से इसको लिख लीजिए। ओके नो कैलकुलेशन में आसानी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कॉस थ्री टी लिखूंगा, ओके नो बाद में कॉस ऑफ टू टी लिखूंगा और बाद में कॉस टी लिखूंगा, ठीक है ना। अब एक काम करना कि वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अप्लाई होता है वो कोई भी दो कॉस के मल्टीप्लीकेशन पे अप्लाई होगा, ठीक है ना, मतलब कोई भी दो कॉस के मल्टीप्लिकेशन को आप एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। और वो फार्मूला कौन सा था, मैं यहां पे लिख रहा हूं फार्मूला, ओके नो कॉस ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू 1/2, यहां पे आएगा कॉस प्लस कॉस, ओके नो फर्स्ट एंगल रहेगा ये प्लस बी, दूसरा एंगल रहेगा ये माइनस बी, ओके ना, ये फार्मूला कॉस ए कॉस बी का फार्मूला 1/2 cos a प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ओके अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कोई भी दो कॉस को अज्यूम करना और उस पर फार्मूला अप्लाई करना, तीनों कॉस के लिए फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। ओके देखिए कॉस थ्री टी को मैं एज इट इज लिखता हूं, ठीक है ना, इन दो कॉस पे मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा। ओके ना, अब देखो यहाँ पे जो पहला एंगल रहेगा थ्री टी रहेगा, टू टी रहेगा ये, और टी रहेगा आपका बी रहेगा। ओके ना, तो फार्मूला क्या कहता है, 1/2 इन ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे देता हूं मैं, यहाँ पे स्क्वेयर ब्रैकेट, ओके हाँ, यहाँ पे कॉस, दोनों कॉस इंटू कॉस में कॉस ही आएगा, कॉस यहाँ पे प्लस कॉस, ओके नो हाँ कॉस प्लस कॉस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कॉस अब दोनों एंगल का एडिशन, मतलब ये प्लस बी, यहाँ पे ये प्लस बी कौन सा रहेगा, यहाँ पे ये और ये बी रहेगा, मतलब टू टी प्लस टी। ओके तो फर्स्ट एंगल में कॉस के फर्स्ट एंगल में ये प्लस बी का एडिशन, तो टू टी प्लस टी कितना होगा, थ्री टी, तो यहाँ पे थ्री टी आएगा प्लस यहाँ पे कॉस, अब दोनों का सब्ट्रैक्शन, टू टी माइनस टी, टू टी माइनस टी इज टी, ओके ना, तो ये रहेगा आपका फॉर्मूला, ठीक है ना। अब 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए, ओके ना, हाँ ब्रैकेट में, और ये जो कॉस थ्री टी है ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओके ना, अभी भी मल्टीप्लीकेशन टोटली एंड नहीं हुआ है, मल्टीप्लिकेशन में और दो कॉस की टर्म आ रही है, कॉस थ्री टी के साथ कॉस थ्री टी आ रहा है, कॉस थ्री टी के साथ कॉस टी आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस थ्री टी इंटू कॉस थ्री टी प्लस यहाँ पे कॉस थ्री टी इंटू कॉस टी, ओके ना, फिर से सेम फार्मूला देखिए, कॉस इंटू कॉस, कॉस ए कॉस बी का फार्मूला 1/2, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो यहाँ पे ये होगा आपका 3t, ओके, और यहाँ पे भी b, यहाँ पे b होगा 3t, यहाँ पे ये होगा 3t और यहाँ पे b होगा t, ओके, आप इसको cos square 3t लिख सकते हो। अगर cos square 3t लिखा तो फिर फार्मूला आपको पता है cos square के लिए क्या है, वो भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो, फिलहाल हम इसी फार्मूले से चलते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1/2 इन कर्ली ब्रैकेट,
यहां पे आएगा 1 अपॉन 2, इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई करो, 1 बाय 2 इन ब्रैकेट, हम बोलिए कितना होगा cos of, ओके 1 बाय 2 cos प्लस cos, पहले में एडिशन 3t प्लस 3t 6t, ओके हाँ प्लस cos of, ओके 3t माइनस 3t कितना 0, प्लस यहां पे 1 बाय 2, अब यहां पे ये हो जाएगा 3t, b हो जाएगा t, ओके तो यहां पे आएगा cos of 3t प्लस t 4t, ओके प्लस यहां पे cos आएगा 3t माइनस t कितना 2t, ओके कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब देखो दोनों में 1 बाय 2 है, 1 बाय 2 कॉमन निकाल लो, 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 ये होगा 1 बाय 4 इन कर्ली ब्रैकेट, यहां पे आएगा cos 6t प्लस cos 0 होता है 1, ठीक है प्लस यहां पे आएगा cos 4t प्लस यहां पे आएगा cos ऑफ 2t, ओके देखो अब जितनी भी टर्म थी ओके cos की हो या कॉन्स्टेंट हो सभी एडिशन में आ रही है, मतलब सब एडिशन में आ रही है, ठीक है मल्टीप्लिकेशन में कोई टर्म है क्या नहीं है, cos इंटू cos है क्या कहीं नहीं है, तो सभी टर्म्स को मैंने एडिशन में कन्वर्ट किया, मतलब क्या किया आपने, आपने किया cos 3t इंटू cos 2t इंटू cos t, ओके ये तीनों cos के मल्टीप्लिकेशन को आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अगर जब तक ये मल्टीप्लिकेशन है तो आप लैपलेस नहीं ले सकते, मल्टीप्लिकेशन पे लैपलेस ऑपरेट नहीं होगा दो फंक्शन के, ओके उसको एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने बाय यूजिंग फार्मूला cos 3t cos 2t इंटू cos t इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन को मैंने एडिशन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, ओके अब ले लो आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म, सो टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म बोथ द साइड, सो लैपलेस ऑफ cos 3t इंटू cos 2t इंटू cos ऑफ t, ओके सो बाय यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट रहेगा, ओके और लैपलेस इसपे 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 चारों पे ऑपरेट होगा, तो cos 60 का लैपलेस का फॉर्मूला कितना रहेगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 36 6 का स्क्वायर प्लस 1 का लैपलेस 1 बाय s प्लस cos 40 का s अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16 प्लस और cos 50 का s अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ओके नाउ अब देखो यहां पे s है यहां पे s है यहां पे s है यहां पे s नहीं है, तो s कॉमन निकालने के लिए यहां पे s चाहिए, तो s से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, ऐसा अज्यूम करो कि मैंने मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर में s स्क्वायर आ जाएगा ऊपर s रहेगा, अब s कॉमन निकालो तो यहां पे मिलेगा s अपॉन 4 इन ब्रैकेट 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 36 प्लस ठीक है 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 16 प्लस यहां पे आएगा 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4, तो ये होता है लैपलेस इसका cos 3t into cos 2t into cos t, ओके तो ऐसे प्रॉब्लम आए तो ऐसे सॉल्व करना, ओके और एक एग्जांपल है इसके बेस sin t sin 2t sin 3t इसको आप होमवर्क ले लीजिए, ओके ना मैं बाद में होमवर्क दूंगा आपको और उसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है तो ये लिख लीजिए। अभी हम देखते हैं कि चार फंक्शन के लैपलेस कैसे कन्वर्ट करेंगे, ओके ना लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको जितने भी प्रॉब्लम पढ़ाए हैं ओके या फिर जितने भी होमवर्क देने जा रहा हो वो प्लीज अच्छे से करके रखें, क्योंकि इसका यूज हमें आगे की प्रॉपर्टीज में होने वाला है, ये बेसिक्स है, ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम का लैपलेस कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर हो गया साइन एक्स स्क्वायर हो गया टू रेस टू द पावर टी इंटू ई टू द पावर टी हो गया कॉस ई टी प्लस बी हो गया कॉस इंटू कॉस हो गया ओके साइन इंटू साइन हो गया अंडर रूट टी प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, तो ये छोटे छोटे फंक्शन है लेकिन इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि इसका लैपलेस हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका यूज आगे में होने वाला है, आगे में काफी बड़े बड़ी प्रॉपर्टीज आएगी, ठीक है ना उसके बेस काफी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स आएंगे, तो उसमें ये छोटे छोटे कंसेप्ट आप यूज होने वाले, इसलिए मैं लिनियरिटी प्रॉपर्टी में मैक्सिमम एग्जाम्पल कवर कर रहा हूं ताकि मुझे आगे में प्रॉब्लम ना जाए और आपको भी आगे समझने में प्रॉब्लम ना जाए, ओके तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम आपको cos of at plus b का लैपलेस निकालना है, नंबर वन लैपलेस ऑफ cos of at plus b, सो cos of at plus b का अगर आपको लैपलेस निकालना है तो आपके पास फार्मूला है ओनली cos at के लिए फार्मूला, cos at का लैपलेस का फार्मूला क्या है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन एंगल में at plus b है तब आप इसका लैपलेस नहीं निकाल सकते, ओके ना आपको इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, तो फार्मूला हमारे पास है cos a plus b का फार्मूला क्या होता है cos a plus b का फार्मूला cos of a plus b क्या है फार्मूला cos a cos b minus
साइन ए इंटू साइन बी, ओके देखो प्लस है तो माइनस आएगा, कॉस कॉस साइन साइन इधर में माइनस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हो गया आपका ए टी और बी हो गया आपका बी, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे कॉस ए मतलब ए टी इंटू कॉस ऑफ बी माइनस यहाँ पे साइन ऑफ ए टी इंटू साइन ऑफ बी, ओके ना। अब देखिए यहाँ पे कॉस ए टी ये टी का फंक्शन है लेकिन कॉस इस कॉस के एंगल में टी नहीं है तो इसका मतलब कॉस बी जो होगा वो कॉन्स्टेंट नंबर होगा, इसका लैपलेस आप नहीं लोगे क्योंकि ये टी का फंक्शन नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसका भी लैपलेस लेते हैं, इसका लैपलेस हम नहीं लेंगे क्योंकि ये टी का फंक्शन नहीं है, एंगल में टी नहीं है इसका मतलब ये कॉन्स्टेंट नंबर है। यहाँ पे साइन ए टी ये फंक्शन है लेकिन साइन बी जो है ये फंक्शन नहीं है, ये ओनली कॉन्स्टेंट नंबर है, सो यूज लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ इट, सो टेकिंग लैपलेस ऑन बोथ द साइड कॉस ऑफ ए टी प्लस बी, ठीक है इसका लैपलेस निकालने जा रहा हूं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करो, लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कॉन्स्टेंट को बाहर निकालो ठीक है और फंक्शन ऑफ टी पे लैपलेस अप्लाई करो, तो यहाँ पे कॉस बी जो है वो कॉन्स्टेंट है और लैपलेस में ऑपरेट करूंगा कॉस ऑफ ए टी पे, ओके नाउ माइनस यहाँ पे साइन बी जो है वो कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे मैं लैपलेस जो ऑपरेट करूंगा वो ऑपरेट करूंगा साइन ऑफ ए टी पे, ठीक है नाउ अब लिख लेते लैपलेस कितना होता है, कॉस बी लैपलेस ऑफ कॉस ए टी कितना होगा एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ओके माइनस यहाँ पे साइन बी, साइन ए टी का लैपलेस कितना होता है, साइन ए टी का लैपलेस होता है ये अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ओके ना दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कौन सा है एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, तो डिनोमिनेटर से एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर को कॉमन निकाल ले लीजिए, ओके यहाँ पे वन अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर को कॉमन निकाल दो, ब्रैकेट में कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा एस इंटू कॉस बी माइनस ये इंटू साइन बी, तो ये होता है लैपलेस ऑफ कॉस ऑफ ए टी प्लस बी, ओके अगर ऐसे प्रॉब्लम आते हैं हो सकता है यहाँ पे साइन ए टी प्लस बी है तो साइन ए टी प्लस बी के लिए भी फार्मूला अलग रहेगा, साइन ए कॉस बी माइनस प्लस कॉस ए साइन बी, ओके तो फार्मूला अगर आपको पता है तो आप इजिली लैपलेस निकाल सकते हो। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम है टू रेस टू दी पावर टी इंटू ई टू दी पावर टी, देखो आपको लैपलेस का फॉर्मूला कौन सा पता है, आपको लैपलेस पता है ओनली ई टू दी पावर ए टी का, सो ई टू दी पावर ए टी का लैपलेस होता है वन अपॉन एस माइनस, ओके ना टू रेस टू दी पावर टी का लैपलेस आपको नहीं पता, मतलब ए टू दी पावर टी के फॉर्म में जो भी फंक्शन आता है उसका लैपलेस आपको नहीं पता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है ओनली ई टू दी पावर ए टी, तो दोनों में से कौन सा फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, दोनों एक्सपोनेंशियल है लेकिन इसका बेस जो है इसका बेस ही है और जिस फंक्शन का बेस ही रहेगा ठीक है ना उसका लैपलेस का फार्मूला हमारे पास है, लेकिन जिसका बेस ई को छोड़ के बाकी अगर कुछ भी रहा उसका लैपलेस का फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टू रेस टू दी पावर टी का जो बेस है ना वो ई बनाना पड़ेगा, तो आपको पता है कि सपोज करो कि यहाँ पे ए टू दी पावर टी है, ए टू दी पावर टी है तो ए टू दी पावर टी को मैं ऐसे लिख सकता हूं ई टू दी पावर लॉग, ठीक है ना एक्सपोनेंशियल और इसके पावर में लॉग जिसका बेस ई रहना चाहिए, ओके ना और इसके लॉग में लिख लीजिए ए टू दी पावर टी, ओके तो इसकी जो वैल्यू रहेगी ठीक है ना ये ए टू दी पावर टी के बराबर रहेगी, ये ध्यान रखना, तो ए टू दी पावर टी को ऐसे लिख सकते हो ई टू दी पावर लॉग इन टू लॉग ऑफ ए टू दी पावर टी और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं अब लॉग के एंगल में ये है और ये का पावर टी है तो टी को मैं लॉग के पहले लिख सकता हूं, मतलब यहाँ पे आएगा टी इंटू लॉग ऑफ ये, ओके ना तो ए टू दी पावर टी को आप ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है अगर आपने ऐसे फॉर्मेट में लिखा मतलब ए टू दी पावर टी का अभी बेस कौन सा बन गया ई बन गया और आप इजिली इसका लैपलेस ले सकते हो, देखो कैसे तो टू रेस टू दी पावर टी को मैं कैसे लिखूंगा ई टू दी पावर यहाँ पे लॉग ऑफ टू रेस टू दी पावर टी अल्टीमेटली ई टू दी पावर लॉग लॉग ऑफ टू रेस टू दी पावर टी की टू रेस टू दी पावर टी हो जाएगी, ओके ना और यहाँ पे ई टू दी पावर टी अब यहाँ पे लॉग का एंगल टू है टू का पावर टी है तो टी को मैं लॉग के पहले लिख सकता हूं बाय यूजिंग लॉग ऑफ लॉगरिथम सो ई टू दी पावर टी लॉग ऑफ टू इंटू ई टू दी पावर टी, ओके अब आपको लॉ ऑफ इंडाइसेस पता है दोनों का बेस सेम है तो पावर का क्या होगा एडिशन, ओके ना तो पावर का एडिशन कैसे होगा यहाँ पे ई टू दी पावर यहाँ पे टी लॉग ऑफ टू प्लस टी, ओके ना अब टी को कॉमन निकाल लीजिए ई टू दी पावर टी को कॉमन निकाल लिया
ओके ना, ब्रैकेट में कितना बचा आपका, वन प्लस लॉग ऑफ टू इंटू टी ऑफ नाउ। तो यहाँ पे टू रेस टू दी पावर टी इंटू ई टू दी पावर टी का मैंने लैपलेस नहीं लिया है, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। ओके अब आप लैपलेस ले लीजिए, तो लैपलेस ऑफ टू रेस टू दी पावर टी इंटू ई टू दी पावर टी। ओके ना, अब इसका लैपलेस कितना आएगा, तो लैपलेस ऑफ ई टू दी पावर वन प्लस लॉग ऑफ टू ओके ना, और यहाँ पे टी। ओके तो बताइए ई टू दी पावर ए टी, ओके ना, देखो फॉर्मूला क्या है, ई टू दी पावर ए टी का लैपलेस कितना होता है, वन अपॉन यस माइनस ए। अगर ई के पावर में टी का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ये है तो यस माइनस ए आता है, अगर निगेटिव ये है तो एस प्लस ए आता है। तो यहाँ पे ई के पावर में टी का जो कोएफिशिएंट है वो कितना है, वो है आपका वन प्लस लॉग ऑफ टू। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, वन प्लस लॉग ऑफ टू, तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला कितना होगा, वन अपॉन एस माइनस, ओके टी का कोएफिशिएंट प्लस में है तो माइनस में आएगा, माइनस ए ये कितना है, वन प्लस लॉग ऑफ टू। ओके तो ये रहेगा आपका लैपलेस किसका, टू रेस टू दी पावर टी इंटू ई टू दी पावर टी का। ओके तो ये छोटे छोटे लॉजिक है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके तो पहला लॉजिक कौन सा था कि एनी मतलब टू रेस टू दी पावर टी के फॉर्म, मतलब ई टू दी पावर टी के फॉर्म को मैं ई के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मतलब ई टू दी पावर टी लॉग ऑफ ए के फॉर्म में। तो मैंने वही किया, दोनों का इसका बेस ईवन है, बाद में इसका भी बेस ही था, दोनों का बेस सेम है, तो पावर का एडिशन कर लिया, टी कॉमन निकाल लिया, और बाद में मुझे इसका लैपलेस पता है, ये इस फॉर्म में आ गया ई टू दी पावर ए टी के फॉर्म में, और ई टू दी पावर ए टी का लैपलेस होता है वन अपॉन यस माइनस, व्हाट इज ये, ये इज वन प्लस लॉग ऑफ ए। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, सपोज वन की वैल्यू जो होती है लॉग ऑफ ई होती है। ओके सो लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, तो यहाँ पे इसका बेस ई है तो लॉग ऑफ टू ई भी हो सकता है इसका आंसर, ये भी पॉसिबल। ओके तो इतना लिख लीजिए, आगे दो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ओके अब देखते हैं साइन एक्स स्क्वायर टू टी का लैपलेस कैसे मैटर करेंगे, मतलब ये फंक्शन। ओके आपने साइन स्क्वायर टी का देखा, कॉस स्क्वायर टी का देखा, लेकिन हाइपरबोलिक फंक्शन का लैपलेस नहीं देखा, मतलब साइन एक्स स्क्वायर टू टी। हाइपरबोलिक का कौन सा फॉर्मूला आपके पास है, हाइपरबोलिक का एक दो फार्मूला है, साइन एच टी का लैपलेस, साइन ऑफ एच ए टी का और कॉस एच ए टी का। ओके दोनों के फार्मूले क्या होते हैं, साइन एच ए टी का लैपलेस होता है ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कॉस एच ए टी का एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे साइन एच स्क्वायर टू टी है तो वो फार्मूला यूज नहीं करोगे। ओके नो, क्योंकि उसमें पावर नहीं था, यहाँ पे पावर टू है, तो इसको कैसे टैकल करोगे। ओके जैसे साइन स्क्वायर के लिए कुछ फार्मूला था, कॉस स्क्वायर के लिए कुछ फार्मूला था, तो क्या इसके लिए कुछ फार्मूला है, यस बिल्कुल है। कौन सा है, साइन एच टी का जो फार्मूला है वो होता है ई टू दी पावर टी माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टू, और कॉस ऑफ एच टी का जो फार्मूला है वो होता है ई टू दी पावर टी प्लस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन टू। ओके यहाँ पे कॉस एच का जो एंगल है टी है, तो ई के पावर में टी आएगा, अगर टू टी है तो टू टी आएगा, थ्री टी है तो थ्री टी आएगा, ओके ना। तो अगर साइन एच स्क्वायर टू टी का लैपलेस निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। ओके बाद में स्क्वेयरिंग करो, कॉस एच स्क्वायर टू टी का या फिर टी का लैपलेस निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो साइन एच स्क्वायर टू टी के लिए फॉर्मूला कौन सा रहेगा, ध्यान दो, साइन एच टी के लिए फॉर्मूला था, अगर यहाँ पे साइन एच का एंगल टी है तो टी आएगा, यहाँ पे साइन एच का एंगल टू टी है तो यहाँ पे ई टू दी पावर टू टी माइनस ई टू दी पावर माइनस टू टी अपॉन में टू, और साइन एच का स्क्वायर है तो इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब आपको पता है ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो अपॉन में टू है, टू का स्क्वायर फोर, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब ई टू दी पावर टू टी का स्क्वायर। ई टू दी पावर टू टी इसका स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू इंटू e टू दी पावर टू टी इंटू ई टू दी पावर माइनस टू टी, मतलब ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब e टू दी पावर माइनस टू टी इसका स्क्वायर। ओके ब्रैकेट क्लोज, सो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको e टू दी पावर फोर टी माइनस, हाँ दोनों का बेस सेम है, पावर का एडिशन, सो e टू दी पावर टू टी माइनस टू टी मतलब जीरो, e टू दी पावर जीरो मीन्स वन, सो टू इंटू वन टू प्लस यहाँ पे e टू दी पावर माइनस फोर टी। ठीक है So, अब देखो अब इजी हो गया, अब इसका लैपलेस पता है, टू का भी लैपलेस पता है और ई टू दी पावर माइनस फोर टी का भी लैपलेस आपको पता है, अब अभी आप लैपलेस ले सकते हो। सो लैपलेस ऑफ साइन एच स्क्वायर टू टी इसका लैपलेस कितना आएगा, वन बाय फोर कॉन्स्टेंट है, बाय लैपलेस होगा ऑपरेट सभी फंक्शन पे
द लैप्लास ऑफ ई टू द पावर 4t माइनस लैप्लास ऑफ 2 प्लस लैप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस 4t। तो यहां पे 1/4 हाँ ई टू द पावर 4t का लैप्लास 1/s-4। अगर e के पावर में t का कोएफिशिएंट +4 है तो यहाँ पे s-4, अगर -4 होता तो s +4 माइनस 2 का लैप्लास 2/s। कांस्टेंट का लैप्लास कैसे है? मैंने लैप्लास ऑफ k बताया था आपको, लैप्लास ऑफ k क्या था? लैप्लास ऑफ k था k/s। ओके ध्यान रखना, e टू द पावर 4t का लैप्लास 1/s-4 प्लस e टू द पावर -4t का लैप्लास 1/s। अब e के पावर में t का कोएफिशिएंट -4 है तो यहाँ पे +4। ओके so that is the Laplace transform of sin x square to t। कितना आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो कैसे, ये 1/4 1/s-4 प्लस 1/s+4 माइनस 2/s। ओके नाउ सो 1/4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन s+4 प्लस यहाँ पे s-4 फर्स्ट टू टर्म्स का एक ब्रैकेट में ये माइनस भी, मतलब यहाँ पे s-4 इंटू s+4 माइनस 2/s। ओके दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा 1/4 माइनस 4 प्लस 4 गेट कैंसर s+s 2s सो ट्वाइस s अपॉन एक ब्रैकेट में s-4 दूसरे ब्रैकेट में s+4 दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो एक ब्रैकेट में ये माइनस भी दूसरे ब्रैकेट में ये प्लस भी, तो a² - b² दैट इज s² - 4² ठीक है माइनस यहाँ पे 2/s। यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लो इस साइड में आ जाइए। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच स्क्वायर 2t इज इक्वल टू, देखिए कितना मिला, 2 को कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पे 2/4 इन ब्रैकेट यस अपॉन s² - 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1/s। ओके चाहे तो और आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 2 2 4 सो 1/2 यहाँ पे आएगा s², ये माइनस साइन, जब s² - 16 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो ये -s² होगा, ये +16 बनेगा अपॉन में यस इंटू s² - 16। ओके ना माइनस s² प्लस s² के कैंसल, तो यहाँ पे 16 अपॉन यस यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू 16 अपॉन यस इंटू s² - 16 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे डिविजन होगा यहाँ पे बचेगा 8, तो यहाँ पे 8 अपॉन यस इंटू s² - 16। ओके तो ये होता है लैप्लास, इसका साइन x² 2t का लैप्लास। ओके तो समझ में आया साइन x² 2t का, आपके लिए होमवर्क रहेगा कॉस x² 2t। ओके आप करके देखना आंसर की चेक करना। ओके अब आखिरी प्रॉब्लम √p+1 का होल स्क्वायर, इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, मैं तुरंत दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूं। ओके अब देखते हैं लास्ट प्रॉब्लम √p+1 इसका होल स्क्वायर, इसका लैप्लास कैसे निकालेंगे। तो आपको t^n का फॉर्मूला पता है, ओनली t^n नॉट ब्रैकेट और उसको पावर n, इसका लैप्लास का फॉर्मूला आपको पता नहीं है, हम क्या करेंगे इसको एक्सपांड करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे √t का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी मतलब √t/1 प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर, आंसर कितना मिला √t² कैंसिल, यहाँ पे टी प्लस 2t^1 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1। ओके तो √t+1 का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन आपको मिला t+2 t^1 2 1। अब देखो यहाँ पे टर्म सेपरेट होगी, सभी एडिशन में आ रही है, तो अब ये लैप्लास ले लेंगे हम, सो लैप्लास ऑफ √t+1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल, ओके लैप्लास ऑपरेट होगा टर्म पे, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, सो लैप्लास ऑफ टी बाय यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी प्लस टी को पावर 1 है प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, यहाँ पे लैप्लास ऑफ t^1/2 प्लस यहाँ पे लैप्लास ऑफ 1। ओके अब t^n के मैंने आपको दो फार्मूले लिख के देते हो, जैसे आपको याद होंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t^n लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t^n। ओके ना
तो टी टू दी पावर एन का लैप्लस कितना होता है, टी टू दी पावर एन का लैप्लस होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन, और ये भी ये फार्मूला होता है गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन, ये दोनों फार्मूला। कौन सा फार्मूला कब यूज करेंगे, देखो टी टू दी पावर एन का ये फार्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन, ये कब यूज करते हैं जब एन आपका क्या रहता है इंटीजर रहता है पॉजिटिव इंटीजर, ओके ना, और ये फार्मूला कब यूज करते हैं आप जब एन क्या रहता है आपका फ्रैक्शन रहता है, ओके। तो गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन ये फार्मूला कब यूज करोगे जब टी का पावर फ्रैक्शन रहेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, और एन फैक्टोरियल वाला फार्मूला कब यूज करोगे जब आपका टी का पावर इंटीजर में रहेगा मतलब वन टू थ्री फोर पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे जो टी को पावर वन है ओके ना, ये पॉजिटिव इंटीजर है ओके ना, तो इसके लिए मैं ये फार्मूला यूज करूंगा एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन, ओके ना। यहाँ पे जो टी का पावर है वन बाय टू ये फ्रैक्शन में, तो इसके लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन, और गामा एन का और एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन, ये भी मैंने लिखवा के दिया था ओके ना, और यहाँ पे गामा वन बाय टू की जो वैल्यू रहेगी वो होती है आपकी अंडर रूट पाई, ये इतने फार्मूला आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने सेकंड लेक्चर में बताया था, आप एक बार सेकंड लेक्चर अच्छे से देख लीजिए ओके ना। तो यहाँ पे टी टू दी पावर वन, वन इज अ इंटीजर, तो कौन सा फार्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन, मतलब वन फैक्टोरियल अपॉन एस टू दी पावर वन प्लस वन प्लस टू इंटू हाँ टी टू दी पावर वन बाय टू, वन बाय टू इज अ फ्रैक्शन, तो कौन सा फार्मूला गामा एन प्लस वन अपॉन एस टू दी पावर एन प्लस वन, तो यहाँ पे गामा एन एन मतलब वन बाय टू प्लस वन अपॉन एस टू दी पावर वन बाय टू प्लस वन प्लस हाँ वन का लैप्लस तो पता है वन बाय यस होता है, सो वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल मीन्स वन अपॉन एस टू दी पावर टू प्लस यहाँ पे टू इंटू गामा यहाँ पे आएगा थ्री बाय टू वन बाय टू प्लस वन यहाँ पे एस टू दी पावर थ्री बाय टू प्लस यहाँ पे वन बाय यस ओके। अब यहाँ पे गामा थ्री बाय टू ओके, जब भी गामा के अंदर अगर कोई नंबर आता है यहाँ पे थ्री बाय टू अगर ये ग्रेटर देन वन है ध्यान रखना, गामा के अंदर अगर कोई नंबर आता है अगर वो ग्रेटर देन वन है तो हमेशा ये फार्मूला लगाना, कब तक जब तक कि नंबर आपका गामा के अंदर वाला लेस देन वन होना चाहिए ओके, तब तक हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब जरा देखो यहाँ पे गामा थ्री बाय टू ये ग्रेटर देन वन, तो हमारे पास एक फार्मूला है कि गामा एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन, गामा एन के रू एन माइनस वन इंटू गामा एन माइनस वन के बराबर होता है, तो यहाँ पे गामा ये फार्मूला कब यूज करोगे जब ये जो एन रहेगा ये ग्रेटर देन वन रहना चाहिए ओके, और कब तक हम यूज करेंगे ये जो एन माइनस वन रहेगा यहाँ पे ओके ये लेस देन वन आना चाहिए बस ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए ठीक है ना। फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे जब गामा के अंदर वाला एन ग्रेटर देन वन रहेगा तब ये फार्मूला यूज करना, और कब तक यूज करोगे जब तक कि गामा के अंदर ये वन से छोटी वैल्यू नहीं आती ना तब तक यूज करेंगे, लेकिन जीरो से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे गामा के अंदर थ्री बाय टू है ओके, फार्मूला यूज करेंगे थ्री बाय टू माइनस वन इंटू गामा थ्री बाय टू माइनस वन, थ्री बाय टू माइनस वन वन बाय टू गामा वन बाय टू, तो गामा थ्री बाय टू की वैल्यू कितनी मिली वन बाय टू गामा वन बाय टू ओके ना, बट गामा वन बाय टू की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है अंडर रूट पाई, तो ये होगा वन बाय टू इंटू अंडर रूट पाई, तो ये वैल्यू होती है गामा थ्री बाय टू ओके ना, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट अप करता हूँ, सो देयरफॉर लाप्लास ऑफ अंडर रूट टी प्लस वन इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस हाँ यहाँ पे टू इंटू टू इंटू गामा थ्री बाय टू की वैल्यू है वन अपॉन टू इंटू अंडर रूट पाई अपॉन में एस टू दी पावर थ्री बाय टू प्लस यहाँ पे वन बाय यस टू के साथ टू कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना मिला आपका आंसर मिलता है वन अपॉन एस स्क्वायर ठीक है प्लस अंडर रूट पाई अपॉन एस टू दी पावर थ्री बाय टू प्लस वन अपॉन यस, तो ये रहेगा आपका लाप्लास इसका अंडर रूट टी प्लस वन के होल स्क्वायर ठीक है। तो मैक्सिमम टाइप के प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे कवर कर लिए लेक्चर नंबर फाइव में, इसको आप अच्छे से पढ़ना लिखना प्रैक्टिस करना देखना ठीक है, पूरा वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा, ये बेसिक फॉर्म ये बेसिक एग्जाम्पल है, इसका यूज हमें आगे के टॉपिक में होने वाला है ठीक है। तो हम लेक्चर नंबर फाइव को यहाँ पे रुकते हैं, काफी बड़ा है लेक्चर नंबर फाइव, नियर अबाउट वन आवर्स का है, आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप उसको देखिए, थैंक यू वेरी मच। और हाँ एक बात और सॉरी अभी इसके बाद में आपको होमवर्क दूंगा ठीक है ना, वो होमवर्क आप घर में ट्राई करना ठीक है। ओके ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए ठीक है, इसको सॉल्व करना ठीक है।
और पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद नीचे कमेंट पे लिख लेना कि वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। और हर एक प्रॉब्लम को आप ट्राई करना, ठीक है। नहीं आते हैं तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, ठीक है।